दतिया जिले के इंद्रगढ़ नगर में कोचिंग सेंटर के बाहर मनचले युवक द्वारा छात्रों से छेड़खानी, अश्लील भाषा के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। छात्रों से छेड़खानी रोकने और मनचलों पर कार्रवाई को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सामाजिक संगठनों ने सोमवार को प्रशासन के कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन मिलने पर मनचलों और आवारा युवकों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर मंगलवार सुबह नायब तहसीलदार मनोज दिवाकर, उप निरीक्षक महेश श्रीवास्तव, नगर परिषद के मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव, महिला आरक्षक अंजू राजीव, आरक्षक लक्ष्मेंद्र सिंह ने इंद्रगढ़ शीतलागंज स्थित कोचिंग सेंटरों का औचक निरीक्षण किया। कोचिंग संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वह क्लास और क्लास के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं, कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन करवाएं और कोचिंग संचालकों द्वारा अगर ये कार्रवाई 7 दिन में पूरी नहीं होती है तो कोचिंग संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। निरीक्षण के दौरान कोचिंग सेंटर के तमाम प्रकार की कमियां पाई गई है। अधिकतर कोचिंग छोटे छोटे कमरों में संचालित पाई गई, छात्र छात्रा एक साथ बैठी दिखाई दी। एक दो कोचिंग सेंटरों को छोड़ किसी के पास भी सीसीटीवी कैमरे और रजिस्ट्रेशन नहीं पाए गए। अब प्रशासन कोचिंग संचालकों पर कार्रवाई करने की बात कह रहा है। शिवरमन सिंह राठौर की रिपोर्ट।